प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको कबीर एक समाज सुधारक के रूप में हिंदी साहित्य में माने जाते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को संवत 1375 ईस्वी से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक माना जाता है, और इस भक्ति काल की दो धाराएं थी, एक सगुण काव्य धारा और एक थी निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में इसके दो भेद किए जा सकते हैं, एक राम काव्य धारा एक कृष्ण काव्य धारा, और निर्गुण काव्य परंपरा थी उसके भी दो भेद किए जाते हैं, एक संत काव्य परंपरा और दूसरी सूफी काव्य परंपरा। तो संत कवि थे वो संत कवि मध्य काल में ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने अपने समाज को सुधारा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में और इतिहास में अगर चर्चा करें तो कबीर का आविर्भाव हमारे यहाँ पर करीबन 600-700 वर्ष पहले हुआ था, और उस समय में हमारे हिंदुस्तान की जो परिस्थिति थी वो परिस्थिति एक केंद्रीय सत्ता थी, लेकिन केंद्रीय सत्ता के अधीन यानी अलग अलग प्रकार के राज्य शासन कर रहे थे, और इन राज्यों में कोई आपस में भाईचारा कोई अपनत्व की भावना नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के विरुद्ध थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। तो उसी प्रकार से जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी उसी के अनुसार समाज में भी हमारे यहाँ पर बहुत सारी विकृतियाँ हो गई थी। यानी मध्यकाल का इतिहास देखें तो मुस्लिम आक्रांता थे, उन्होंने यानी अपने धर्म को ज़्यादा महत्व दिया था, और अपने धर्म को महत्व देने के बाद में हिंदू धर्म पर उन्होंने मनमाने अत्याचार किए थे, और अत्याचार करने के बाद में हिंदू धर्म की ऐसी स्थिति हो गई कि हिंदू धर्म भी जात पात है, छुआछूत है, भेदभाव है, पाखंड है, आडंबर है आदि में विश्वास करने वाला था, और उनके जो धर्म गुरु थे वो शैव और शाक्त थे, सिद्ध थे, और वो अलग तिरंजन की वाणी किया करते थे, और मनमाने भोले भाले जनता को वो ठगने जैसी बातें करते थे, और तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका आदि में विश्वास करते थे, और झाड़ फूक के माध्यम से अपना वो समय पास करते थे। तो ऐसे समय में जब कबीर का आविर्भाव हुआ तो कबीर ने हिंदू जनता के साथ साथ मुसलमानों को भी फटकारा। हिंदू लोग जो बहुदेववादी बात में विश्वास करते थे और मूर्ति में विश्वास करते थे, पूजा प्रार्थना में विश्वास करते थे, इसी प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को फटकारा, तो दूसरी तरफ उन्होंने मुसलमानों को भी आड़े हाथों लिया, और उनको तो ये कहा कि जब आप नमाज में जाते हो और नमाज रखते हो, रोज़ा रखते हो, तो उनसे क्या तुम्हारा भगवान मिलता है। उसी प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को फटकारा कि आप मूर्ति पूजा में विश्वास करते हो, मंदिर बनाते हो, और वहाँ जा करके यानी मुंडन करवाते हो, छापा तिलक लगाते हो, माला फेरते हो, तो इससे क्या तुम्हारा भगवान मिलेगा। तो उन्होंने दोनों समाजों को फटकारा, और इसके बाद में कबीर ऐसे नहीं थे कि वो जगह जगह जाकर के उपदेश देते थे और उनके उपदेश सुनने वालों की संख्या थी। कबीर जी एक जुलाहा परिवार में थे, और जुला परिवार में वो अपना काम करने के साथ साथ ही यानी समाज सुधार के लिए ऐसे कार्य करते थे जिसकी प्रशंसा बहुत अच्छी हुई थी, और उनके विचारों को आद भी किया जाता है। तो प्रिय छात्रों, उनका समाज के प्रति जो सुधार था वो सुधार करने के लिए ही ये कहा जाता है कि कवि की अपेक्षा एक समाज सुधारक थे, और इस बात को मानना भी आवश्यक है कि उस काल में जब परिस्थितियाँ ऐसी थी यानी एक दूसरे पर आक्रमण की स्थिति थी, लोगों में हीनता की भावना थी, उदासीनता थी, तो ऐसी स्थिति में कबीरदास जी ने यानी सोई हुई जनता को जागृत करने का प्रयास किया था, और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि सभी मनुष्य समान है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, आज यानी कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि ईश्वर जब लोगों को जन्म देता है और जब वो मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो उसी प्रकार से जन्म से न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई वर्ग है, न कोई धर्म है, न कोई भेद है, सभी संतान सभी ईश्वर की संतान है, और सभी को मिलजुल करके रहना चाहिए। तो इस प्रकार से मध्यकाल के संत कवियों में कबीरदास ने एक समाज सुधार का बहुत अच्छा कार्य किया था,
और जितने भी समाज सुधारक थे उन्होंने अपने समाज को सुधारा था। तो प्रिय छात्रों, इसी के अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ विद्वान मानते हैं कि कवि कबीर एक कवि नहीं थे बल्कि समाज सुधारक थे। समाज को तो वास्तव में उन्होंने सुधारा ही था, और उसके समय में कबीर का आविर्भाव ऐसे काल में हुआ था जब सामाजिक जीवन में नाथपंथी और शाक्त सिद्ध गायक अपने अपनी अटपटी वाणी में अलख निरंजन की मनमानी व्याख्या कर रहे थे। यानी सिद्धों और नाथों का एकमात्र उद्घोष होता था अलख निरंजन, और अलख निरंजन की वाणी से वो यानी जनता को बेवकूफ बना रहे थे, और पंडित एवं शेख मुल्ला संप्रदायवाद को बढ़ावा देकर केवल बाह्य आचार विचारों को ही धर्माचरण का नाम दे रहे थे। इस तरह के आडंबरों इन रूढ़ियों से सारा समाज भ्रांत सा भटक रहा था और समाज में अनेक बुराइयां घर करती जा रही थी। तत्कालीन समाज की इस हालत को देखकर मध्य युग में एक ऐसे कवियों ने समाज सुधार का उद्घोष किया। कबीर उन समाज सुधारक संतों में अग्रणी माने जाते हैं। उन्होंने अपनी अनगढ़ भाषा से उपदेशात्मकता का जो समावेश किया वह लोक कल्याण का मार्गदर्शक माना जा सकता है। तो उन्होंने कबीर का जो समाज सुधारक रूप था वो किन रूपों में हमें दिखाई देता है, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। कबीर मूलतः सुधारवादी संत कवि थे। उनके काव्य में प्रमुखतः खंडन मंडन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस रूप में इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से तत्कालीन समाज में व्याप्त अनेक विसंगतियों, भेदभावों, पाखंडों, आडंबरों, अंधविश्वासों और बुराइयों का पुरजोर खंडन किया था। वे थोत्ते और हास्यास्पद धार्मिक और सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर एक दृढ़ आत्मविश्वास का भाव पैदा करना चाहते थे। वे जगह जगह घूमने वाले तथा जनता की भीड़ को एकत्रित करने वाले उपदेशक भी नहीं थे, वे तो अपने कार्य में लगे रहने वाले और एक स्थान पर ही रहकर साधु संतों का समागम होने पर अपने भावों को अभिव्यक्ति देते थे। वे एक सदग्रस्त की तरह श्रमनिष्ठ जीवन परंपरा का निर्वाह करते थे और जुलाह कर्म में अत्यधिक दक्ष थे। फिर भी उनका लोकानुभव विस्तृत था, जिस कारण अपने दार्शनिक विचारों के अनुसार इन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का बहुत ही अच्छा कार्य किया था। तो सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूँगा तो कबीरदास जी ने अपने समाज में बाह्य आडंबर जो फैल रहे थे उन बाह्य आडंबरों का भी उन्होंने विरोध किया था। कबीर ने समाज में फैले अंधविश्वासों एवं बाह्य आडंबरों पर सशक्त प्रहार किया था। उन्होंने भक्ति के नाम पर दिखावा करने वालों का तीव्र विरोध किया था। जैसे हिंदू के बारे में इन्होंने कहा था कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग देख्या बहरा हुआ खुदाए। इसी प्रकार कबीर ने वैष्णव भक्तों के आडंबरों का विरोध भी किया तथा उन्होंने फटकारते हुए बताया कि मन की पवित्रता से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, परंतु ढोंग रचने छापा तिलक लगाने से अपना ही अनर्थ होता है। जैसे वैष्णो भया तो क्या भया, बूझा नहीं विवेक, छापा तिलक बनाई करी दग्ध्या लोक अनेक। ईश्वरीय तत्व का वास्तविक ज्ञान रखने वाले ढोंगी पंडितों को भी वे नर पिशाच मानते थे। ऐसे लोग समाज में पाखंड का ही प्रसार करते हैं और सामान्य जनता को धोखे में रखकर अपना स्वार्थ साधते हैं। अगर दूसरी उनके समाज सुधारक के रूप में उनको देखा जाए तो मानव मात्र की एकता का उपदेश करने वाले कवि थे कबीरदास जी, और वो एकेश्वरवादी थे। उनका कहना था कि हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र तथा अमीर गरीब सब एक ही ईश्वर की संतान है। मृत्यु के बाद जब यह शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, इसलिए हिंदू मुसलमानों में जाति तथा वर्णगत विभेद नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने एक मानव मात्र की एकता का उपदेश दिया था कि सभी ईश्वर की संतान है, न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है। अंधविश्वासों का खंडन, यानी अंधविश्वास उस जमाने में अंधविश्वास थे जो टोना टोटका करते थे, जो एक दूसरे पर यानी बुराइयां मानते थे, तो उनका भी उन्होंने विरोध किया था और कहा था कबीर ने सामाजिक जीवन में प्रचलित अंधविश्वासों का खुलकर विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट किया था कि यदि सिर मुंडाने से स्वर्ग मिलता है तो भेड़ों को तो बार बार मुंडाने से पहले स्वर्ग मिल जाता। जैसे मूंड मुंडाए हरी मिले तो हर कोई ले मुंडाए, बार बार के मूंड ते भेड़ न बेमकुट जाए। इसी प्रसंग में इन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तीर्थ में जाना, मंदिर या मस्जिद में जाकर प्रार्थना करना भी अनावश्यक बताया।
उनका स्पष्ट कथन था कि ईश्वर तो आदमी के भीतर ही निवास करता है, उसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। तो कबीर ने कहा भी तो था कि उस ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो ईश्वर तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और वो तो शरीर के हृदय में भी विद्यमान है, उसको शरीर में भी ढूंढा जा सकता है। जैसे उसने कहा था, मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबू कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मेरे को ढूंढने के लिए मंदिर और मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सच्चे दिल से तू मेरे को याद करेगा तो मैं तो तेरे हृदय में ही विद्यमान रहता हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने अंधविश्वासों और पाखंडों का भी बहुत ज़्यादा विरोध किया था। और उन्होंने, अगर इनके काव्य की विशेषता देखी जाए तो उन्होंने मूर्ति पूजा का ज़्यादा से ज़्यादा विरोध किया था, और इसी के कारण उन्होंने हिंदुओं को कई बार फटकारा था। कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। उन्होंने स्पष्ट ही कहा था कि पत्थर की प्रतिमा में भगवान नहीं रहते, उनकी पूजा करने से कोई लाभ नहीं है। जैसे पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहार, तांते तो चाकी भली पीस खाए संसार। ऐसे मूर्ति पूजक लोगों को उन्होंने अपने ही अहित करने वाला बताया था। पाहन केरा पूतला करी पूजे करतार, इन्हीं भरोसे जे रहे ते बूढ़े काली धार। तो इस प्रकार से उन्होंने मूर्ति पूजा का एकदम से विरोध किया था। और पांचवें नंबर पर देखा जाए तो उन्होंने भेदभाव का विरोध किया था, यानी उनके काल में जो भेदभाव चल रहा था हिंदू और मुसलमानों का, सेव और शक्तों का, गरीब और अमीरों का, जात पात का, छुआछूत का, तो उन्होंने राम और रहीम को एक बतलाकर एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया था कि सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर ने जन्म देते समय उनको कोई भेदभाव नहीं किया था, तो समाज में रह करके भी इनको भेदभाव में विश्वास नहीं करना चाहिए। समाज में सदृश समझे जाने वाले लोगों को हरिजन अर्थात ईश्वर के संतान बतलाकर जातिगत भेदभाव का विरोध भी किया। जैसे हरिजन से तू हेत कर, हरिजन के हेत। तो इस प्रकार से उन्होंने अछूतों का, जो निम्न वर्ग समझा जाता था, शूद्र वर्ग में माने जाते थे, उनको भी यानी भगवान का प्रिय भक्त बांध करके उनका समर्थन किया था। और जो पंडित थे, मूल्य थे, मालवी थे, उनका इन्होंने विरोध किया कि ऐसा करने से समाज यानी ग्रत की ओर जाता है, समाज का कोई विकास नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे जो भेदभाव के जो भावनाएं हैं, जो जात पात है, छुआछूत है, इनको आपको छोड़ देना चाहिए और ईश्वर द्वारा चाहे सच्चे मार्ग पर आपको चलने से आपका भला हो सकता है, समाज का भी भला हो सकता है। और उस समय में उनके काव्य की अगर विशेषता देखी जाए तो एक विशेषता उभर करके सामने आती है कि प्रचलित उपासना पद्धति का विरोध। यानी उनके काल में तत्कालीन समाज में वैष्णव है, शैव है, नाथपंथी है तथा शाक्त अलग अलग तरह की उपासना पद्धति अपना रहे थे। उनकी उपासना पद्धति कोरा दिखावा थी। कबीर ने उसका विरोध करते हुए स्पष्ट कहा कि उपासना का रहस्य तो अलग ही है, उसके मर्म को समझाने वाला ही सच्ची उपासना कर पाता है। जैसे अवधु भजन भेद है न्यारा, क्या गावे क्या लिखी बतलावे, क्या भमे संसारा, क्या संध्या तर्पण के किन है जे नहीं तत बिचारा, मूंड मुंडाए सिर जटा रखाए, क्या तन लाए छारा, क्या पूजा पाहन की कीने, क्या फल दिए आहारा, बिना परिचय साहिब हों बैठे विषय करे बेउपारा। इसी क्रम में कबीर ने स्पष्ट कहा है कि मन के पवित्र होने पर, शुद्ध आचरण करने पर तथा वासना तृष्णा से मुक्त रहने पर ईश्वर की उपासना आसानी से की जा सकती है, इसलिए मन और कर्म से पवित्र रहना चाहिए। जैसे जप माला छापा तिलक सरेन एको काम, मन कांचे नाचे व्रथा सांचे रांचे राम। तो इस प्रकार से इन्होंने यानी उपासना पद्धति थी और उस समय में अनेक प्रकार की जो ईश्वर को प्राप्त करने की विधियाँ थी, उन विधियों का उन्होंने विरोध किया। और उन्होंने तो यही कहा कि सच्चे मन से अगर कोई भक्त अपने भगवान को याद करेगा तो वो भगवान आपकी जरूर से जरूर रक्षा करेंगे। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि कबीर अपने युग के अग्रणी समाज सुधारक थे। उन्होंने तत्कालीन समाज में जो भी विसंगतियाँ और बुराइयाँ देखी, उन पर सशक्त प्रहार किया। उन्होंने पाखंड, आडंबर है और अंधविश्वासों का खंडन करते हुए लोगों को सही मार्ग पर चलने का उपदेश दिया और शुद्ध आचरण ही मनुष्य का प्रथम कर्तव्य बताया। इस तरह की समाजोद्वार की भावना से कबीर की काव्य साधना लोक कल्याण की क्रांतिकारी प्रेरणा से समन्वित मानी जाती है।
तो इस प्रकार प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैंने कबीर का समाज सुधारक रूप आपको बताया कि उस समय यानी समाज को सुधारने की स्थिति किसी राजा और अन्य लोगों के हाथ में तो थी नहीं, ये संत लोग थे। इन संतों ने यानी आडंबरों का, पाखंडों का, जात पात का, छुआछूत का, भेदभाव का आदि का विरोध किया और सामान्य जो शूद्र वर्ग था उस शूद्र वर्ग का भी उन्होंने साथ लिया और उन्होंने भगवान का प्रिय भक्त मानकर सभी को ये संदेश दिया कि भगवान के सामने न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है। और अगर हम देख कबीर के समय की बात की जाए तो कबीर के समय में जब मुसलमानों का साम्राज्य था तो मुसलमान हिंदू जनता पर मनमाने अत्याचार करते थे, मंदिरों को तोड़ते थे, मूर्तियों को तोड़ते थे, पूज्य पुरुषों का अपमान करते थे और जो कोई हिंदू तीर्थ यात्रा पर जाता था तो उसे यानी तीर्थ कर देना पड़ता था और जजिया कर देना पड़ता था। तो इस प्रकार की कुरीतियों का, इस प्रकार की परंपराओं का, इस प्रकार के सिद्धांतों का इन्होंने विरोध किया और उन्होंने तो ये कहा कि जब ईश्वर ने अपने को जन्म दे दिया है तो जन्म देने के बाद में न कोई धर्म है, न कोई जात है, न कोई पात है, सभी को एक समान रह करके रहना चाहिए, तभी समाज का वो भला हो सकता है। तो इस प्रकार से आज के इस व्याख्यान में कबीर की जो विचारधारा थी, कबीर के जो सिद्धांत थे, कबीर की जो वाणियाँ थी, उसकी में उसके जो समाज सुधारक रूप किस प्रकार से उभर करके आया है। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैंने कबीर एक समाज सुधारक था, कवि की अपेक्षा ज़्यादा समाज को उन्होंने सुधारा है, तो इस विषय पर मैंने आपको जानकारी दी है। तो बस आज के इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।